और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। प्रणाम नमस्कार। छत्तीसगढ़ के रुझान जो अभी तक आए हैं, जो रिजल्ट में तब्दील होने का पूरा एक भरोसा लग रहा है, इस वक्त 10 मिल रही हैं सीटें, आप इस परफॉर्मेंस से कितने संतुष्ट हैं? हेलो, आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, आपकी आवाज कट रही है। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें बीजेपी की तरफ, आप संतुष्ट हैं इस परफॉर्मेंस से? मैम अभी तो काउंटिंग चल ही रहा है और काउंटिंग पूरी हो जाने दीजिए और जो परिणाम आ रहे हैं उससे संतुष्ट हैं। लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है और अच्छी सफलता हासिल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अच्छी सफलता हासिल हुई है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और कई प्रदेशों में अच्छी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। देश की जनता ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया है। इसलिए देश की देवतुल्य सभी मतदाता भाई बहनों का बहुत बहुत आभार, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से खबर बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। 400 पार का जो एक कॉन्फिडेंस था, कहीं वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। 295 पे इस वक्त एनडीए है। आप क्या मानते हैं, क्या कारण है कि बीजेपी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई जहां तक उम्मीद की थी? हाँ, हम लोगों का नारा तो था 400 पार और जैसे मैंने कहा कि अभी काउंटिंग कंटिन्यू है और पूरी होने के बाद दृश्य कुछ दूसरा हो सकता है, लेकिन फिर भी एनडीए सरकार बना रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारत में सरकार बनने जा रही है। आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगी कि इस वक्त जो आपके एनडीए के बड़े अलायंस पार्टनर हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इंडिया अलायंस भी उनसे संपर्क कर रही है, उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है कि वो इंडिया अलायंस की तरफ आ जाएं, क्या आपको लगता है एनडीए का जोड़ है वो फेविकॉल का जोड़ है या टूटने की गुंजाइश है? बिल्कुल मैम, फेविकॉल का जोड़ है और चाहे वो नीतीश कुमार जी हों चाहे चंद्रबाबू नायडू, वो सब एनडीए के साथ में है। गठजोड़ बहुत मजबूत है, वो अलग होने वाले नहीं है। आप क्या समझते हैं कारण क्या रहा? आरक्षण पर एक जो सवालिया निशान कांग्रेस ने लगाने की कोशिश की थी, क्या उस वजह से बीजेपी के जो नंबर्स हैं उनको धक्का पहुंचा है या ये एंटी इनकम्बेंसी थी? आप जो इस वक्त के रुझान है उन्हें कैसे देखते हैं? देखिए, हमको लगता है एनडीए ने लगातार झूठ का सहारा लिया। संविधान पर उन्होंने झूठ बोला, आरक्षण पर झूठ बोला, जो राशन है उस पर झूठ बोला और कई तरह से झूठ फैलाने का प्रयास उन्होंने किया और थोड़ी बहुत उनकी झूठ चल गई। हमको शायद यही कारण लगता है। कोरबा में बीजेपी 2 चुनाव से पीछे चल रही है। पिछली बार आप ये सीट हारे थे, इस बार ये अकेली एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी अभी बढ़त बना नहीं पा रहा। क्या कारण लगता है कि कोरबा बीजेपी के पहुंच से बाहर रहा? देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में 11 में से 9 सीट हमारे पास थी और अभी हम 11 में से 10 सीट जीतने जा रहे हैं और कोरबा में भी अभी मतगणना जारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब वहां की गिनती फिनिश हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तो निश्चित रूप से कोरबा सीट भी हम जीतेंगे और इसके लिए हम छत्तीसगढ़ के देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। यहाँ के लाखों लाखों हमारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने तपती धूप में पार्टी के लिए मेहनत किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी,
और तमाम हमारे राष्ट्रीय नेताओं का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। उनका आशीर्वाद मिला, उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए समय दिया और भारतीय जनता पार्टी को एक बार ऐतिहासिक विजय फिर से मिल रही। हमारे साथ जुड़ने के लिए विष्णुदेव साई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बधाई देती हूं आपको छत्तीसगढ़ की परफॉर्मेंस के लिए, अगर रुझान ये नतीजों में तब्दील होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और बंगाल चारों राज्य जो हैं चिंता का केंद्र बने हुए हैं बीजेपी के लिए। हमारी नजर रहेगी इन नंबरों पर आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। All right, so that was the Chief Minister of Chhattisgarh in conversation with Navika Kumari. He says wait for the counting to finish. Meanwhile, we have